नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ही चैनल टेली फिल्मी में। Amazon Prime ने अपनी अपकमिंग वेब सीरीज का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे Amazon Prime की अपकमिंग वेब सीरीज अनपोस्ट सीजन 2 के बारे में। डिस्कस करेंगे उसकी सारी अपडेट्स को लेकर, तो बात करेंगे हम उसकी स्टोरी, स्टारकास्ट, रिलीज डेट और ट्रेलर के बारे में। अनपोस्ड सीजन 2 जो कि ड्रामा से भरपूर वेब सीरीज होने वाली है, उसे डायरेक्ट किया है नागराज पोपट राव मंजुले ने और उसे प्रोड्यूस किया है राजेंडी के मधु भोजवानी और मोनिशा अडवाणी ने। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टोरी की। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा यूनिक कंसेप्ट पर बेस्ड होने वाली है। यह एक नई कहानी है और अनअपेक्षित सीजन 2 कोरोना वायरस की लहरों में फंसे विभिन्न पात्रों की आवाज़ें सामने लाता है। हिंदी सिनेमा के 5 अलग अलग निर्देशकों द्वारा बनाई गई एंथोलॉजी में प्यार, नुकसान, शुरुआत, दूसरा मौका और आशा, लोग कोविड प्रेरित लॉकडाउन में फंसने के दौरान यह सब और अधिक अनुभव करते हैं। Amazon Prime ने अनपोस्ट सीजन 2 का ट्रेलर गिरा दिया, जिसे सभी को और भी अधिक उत्साहित कर दिया है। नए सीजन का शीर्षक अनपोस्ट नया सफर है और यह कहानियों का एक संकलन है जो संबंधित वास्तविक जीवन की स्थितियों को दर्शाती है जो लोगों ने केवल लॉकडाउन के दौरान खुद को पाया। एंथोलॉजी के पात्र सभी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है लेकिन एक ही महामारी से जूझ रहे है। शो का ट्रेलर उन पात्रों के जीवन की एक झलक देता है जो कोविड-19 के कारण उल्टा हो गया। यह एक भावनात्मक रोलर कोस्टर होगा। कभी आपको खुश करेगा, कभी आपको हंसाएगा और कभी कड़वी मीठी लहर लाएगा। अनपोस्ट नया सफर में द कपल, तीन तिगड़ा, वैकुंठ, वॉर रूम और गोंड के लड्डू शीर्षक वाली 5 कहानियां हैं। जैसा कि देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, यह देखना दिलचस्प होगा कि दूसरा भाग हमारे लिए क्या लाएगा। बिना रुके सीजन 2 रिलीज की तारीख घोषित हो गई है। उनका झगड़ा उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां कई वर्क फ्रॉम होम कपल्स ने खुद को पाया। हम एक साथ क्यों है, आकृति पूछती है। उसका जवाब उसे जल्दी मिल जाता है। अश्ना और समीना मोट लेकर का कुरकुरा लेखन, धनवंतरी और पेन्यू के बीच आसान केमिस्ट्री और मजबूत प्रदर्शन से मेल खाता है। रुचिर और उनकी तीन टिकड़ा WFH व्यवसाय पर एक चतुर दरार है। चोरों की तिकड़ी माल के ट्रक को एक पर्याप्त कारखाने में ले जाती है जहां उन्हें अपने बॉस से आगे के आदेश मिलने तक का इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता है। चंदन, डिंपल और अजीत एक दूसरे से चिपके रहते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। एक बैरल में केकड़ों की तरह एक दूसरे पर पंचा लगाते हैं। यह भागों में सुस्त है और इसमें असमान उच्चारण शामिल है। फिर भी अरुण और अभिनंदन श्रीधर की पटकथा में बेतुकी कॉमेडी के कुछ प्रफुल्लित करने वाले क्षण जो अभिनेताओं द्वारा आसानी से दिए गए हैं। 2 एपिसोड ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। नागराज मंजुले का वैकुंठ महामारी की भीषण मृत्यु दर का सामना करता है। मंजुले खुद एक श्मशान मजदूर विकास की भूमिका निभाते है जो शरीर के अंतहीन ढेर को आग लगा देता है। अपने बेटे को काम पर लाने के लिए मजबूर और अपने कोविड-19 सकारात्मक पिता के बारे में चिंतित विकास फिर भी लगभग यात्रिक दक्षता के साथ जाति द्वारा निर्धारित नौकरी करता है। फोन कॉल मुंबई के एक सरकारी केंद्र पर नहीं रुकते जो जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल के बिस्तर से मिला रहे हैं। ऐसा ही एक फोन कॉल संगीता को उसके ट्रैक में रोक देता है। यह उसके अतीत के एक आंकड़े से है जिसे उसे याद दिलाने की आवश्यकता नहीं थी। शुभम की पटकथा समृद्ध विवरणों से भरी हुई है। पेन की कमी, बिजली कटौती जो सूचना के प्रवाह को बाधित करती है। संगीता के पड़ोसियों के चरित्र चित्रित सिनेमेटोग्राफर तस्तद हुसैन ने ड्रेप सेंटर पर एक ग्रे रंग डाला जहां संगीता एक पेशेवर है और नैतिक दुविधा का सामना करती है। आगे हम बात करेंगे उसकी स्टार कास्ट की। उसकी स्टार कास्ट में हमें गुलशन, दिव्या सुमित व्यास, संयामी खेर, रिचा चड्ढा, अभिषेक बैनर्जी, रत्ना पाठक शाह, ईश्वर श्री, रिंकू राजगुरु, गीतिका विद्या ओहलियान और लिति दुबे और शार्दुल भरद्वाज देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे उसकी रिलीज डेट की। तो दोस्तों, ये हमें 21 जनवरी को Amazon Prime पे देखने को मिल गया है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।